फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूअर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा, अक्सर वो इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कब बाउंड टू बोलना है और कब बाउंड बाई बोलना है। तो आइए फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को समझें। बहुत आसान कंसेप्ट है, उम्मीद करता हूँ कि आप पूरी बात समझेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बाउंड टू का मतलब होता है तय है या मुकर्रर है या निश्चित है, जबकि बाउंड बाई का मतलब होता है बंधा हुआ है। क्या आपको किक मूवी की वो डायलॉग याद है, मौत तो मुअय्यन है कि मौत को कोई टाल नहीं सकता या मौत से कोई बच नहीं सकता। तो फ्रेंड्स, जब आपको अपनी लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आपको कहना हो कि किसी काम को टाला नहीं जा सकता, किसी काम से बचा नहीं जा सकता, ये काम तो मुअय्यन है, मुकर्रर है, तय है या निश्चित है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बाउंड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इंसान का मरना तय है तो आप कहेंगे मैन इज बाउंड टू डाई। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात बाउंड बाई की करें तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप मैरिड हैं तो ये डायलॉग अक्सर आप अपने वाइफ से सुनते होंगे, मैं तो बच्चों की वजह से बधी हुई हूँ, नहीं तो मैं तुमको छोड़कर चली जाती। आपने देखा कि इस सेंटेंस में मैंने बोला कि कोई इंसान किसी चीज से बधा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस जहाँ आप कहें कि मैं किसी चीज से बधा हुआ हूँ तो आप बाउंड बाई का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, बधा हुआ होना से मतलब सचमुच का बधा हुआ नहीं होना, बल्कि किसी बंधन से बधा हुआ होना, किसी रिश्ता से बधा हुआ होना। आइए फ्रेंड्स, एग्जांपल देखते हैं। मैं अपनी मजबूरी से बधा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई एम बाउंड बाई माई हेल्पलेसनेस। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि बाउंड टू का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि निश्चित है या तय है, मुअय्यन है, मुकर्रर है। और वहीं दूसरी तरफ बाउंड बाई का इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कहना हो कि आप किसी चीज से बंधे हुए हैं, यानी आप किसी बंधन से, किसी रिश्ता से बंधे हुए हैं। आइए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल और देखते हैं। यू आर बाउंड टू गो टू जेल। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि तुमको जेल जाना तय है, तुमको जेल जाना मुकर्रर है, तुमको जेल जाना मुअय्यन है या तुमको जेल जाना निश्चित है, यानी इसे कोई टाल नहीं सकता, जाना ही जाना है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम दूसरा एग्जांपल की बात करें, आई एम बाउंड बाई माई वर्ड्स, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि मैं अपने वादों से बंधा हुआ हूँ या मैं अपनी जुबान से बंधा हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने बोला बाउंड बाई, जिसका मतलब होता है बंधा हुआ हूँ, यानी किसी बंधन में बंधा हूँ। आइए फ्रेंड्स, अब लास्ट में बाउंड फा के बारे में देख लें। बाउंड फा का भी मतलब बंधा हुआ होना होता है, यानी कोई चीज किसी से बंधी हुई है। लेकिन बाउंड फा का इस्तेमाल हम डेस्टिनेशन दिखाने के लिए करते हैं, यानी जब हम बात किसी मंजिल की करें या किसी प्लेस की करें तो फिर हम बाउंड फा का इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है फ्रेंड्स आप यहाँ पर कंफ्यूज हों कि जब मैंने आपको बाउंड बाई के बारे में बताया तो मैंने कहा बंधा हुआ होना, और अब जब मैं बाउंड फा के बारे में बता रहा हूँ तो मैंने आपसे कहा कि बाउंड फा मतलब बंधा हुआ होना, तो फिर आप सोचेंगे कि दोनों में फर्क क्या है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा बाउंड बाई का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको कहना हो कि कोई किसी चीज से बंधा हुआ है। लेकिन अगर बात बाउंड फा की हो तो हम बाउंड फा का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमको कहना हो किसी मंजिल से बंधा हुआ होना, किसी डेस्टिनेशन से बंधा हुआ होना, यानी किसी एक प्लेस से बंधा हुआ होना। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझ। कृषक एक्सप्रेस इज बाउंड फॉर लखनऊ, यानी जो कृषक एक्सप्रेस है वो लखनऊ से बंधी हुई है, यानी उसका जो डेस्टिनेशन है या उसका जो ठिकाना है, मंजिल है, वो है लखनऊ। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा कि मैंने यहाँ पर बाउंड फा का इस्तेमाल किया, क्योंकि बाउंड फा का मतलब कि कोई चीज किसी मंजिल से बंधी हुई है या किसी चीज का ठिकाना वो है। जनरत बस इज बाउंड फॉर न्यू दिल्ली। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ जो जनरत बस है वह न्यू दिल्ली से बंधी हुई है, यानी उसका जो मंजिल है वो है न्यू दिल्ली। आइए फ्रेंड्स, लास्ट एग्जांपल देखते हैं। दिस ट्रेन इज बाउंड फॉर कानपुर। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ कि ये जो ट्रेन है ये कानपुर से बंधी हुई है, यानी इसका डेस्टिनेशन या इसका मंजिल, इसका ठिकाना कानपुर है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बाउंड टू, बाउंड बाई और बाउंड फॉर का इस्तेमाल समझ में आया। फ्रेंड्स, अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दो सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।